नया साल की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और नया साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि नया साल स्टार्ट हो चुका है और किसी के घर में पार्टी हो रही है तो किसी घर में पूजा हो रही है, तो मुझे मिल गए हैं बहुत सारे ऑर्डर और मैंने आज ना काफ़ी सारा ऑर्डर बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले ना मैंने पापड़ी बना के इसको रख लिया था, अब मैं इसको पैक करके रख लेती हूँ क्योंकि आज काफ़ी सारे ऑर्डर हैं। मुझे गुलाब जामुन बनाना है तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मेरे पास ना मलाई काफ़ी सारे इकट्ठा हो गया तो मैंने सोचा साथ में जो है ना घी भी बना लिया जाए क्योंकि गुलाब जामुन के लिए काफ़ी सारा घी चाहिए होगा। और साथ ही ना मैं यहाँ पे जो है खोया भी बना रही हूँ क्योंकि गुलाब जामुन के लिए ना खोया की भी बहुत सारी आवश्यकता है और मैंने काफ़ी सारा खोया जो है बना के रखा है। तो ये गुलाब जामुन का ऑर्डर मुझे एक हफ्ता पहले आ गया था और मैंने खोया तो बना के रखा था, पर क्या हुआ ना मेरे पास बीच बीच में और भी मिठाइयों का ऑर्डर आता रहा तो उसमें खोया इस्तेमाल होता रहा और आज मॉर्निंग में जो है ना मेरे पास 4 kg जो है पेरे का ऑर्डर आ गया तो उसमें जो है ना काफ़ी सारा खोया का इस्तेमाल हो गया। तो मैंने फिर से और जो है ना थोड़ा सा खोया बचा हुआ है और मुझे और भी खोया तैयार करनी पड़ेगी और मेरे पास टाइम अभी काफ़ी कम है क्योंकि 250 जो है ना अभी गुलाब जामुन बनाना है। यहाँ पे जो है ना मेरा खोया भी तैयार हो रहा है और यहाँ पे साइड में जो है ना अभी छेना भी बनाना है क्योंकि गुलाब जामुन के लिए छेना भी चाहिए। तो यहाँ पे ना छेना भी मेरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारे छेना बनाना है। अभी मैंने 4 लीटर दूध का छेना जो है मैंने अभी तैयार किया क्योंकि मैंने छोटे छोटे बैच में बनाती हूँ, इससे क्या होता है ना अगर कुछ गड़बड़ हो ना तो थोड़ा बहुत होता है। यहाँ पे जो है ना मेरा घी भी रेडी हो रहा है और यहाँ पे एक साथ सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि टाइम जो है ना काफ़ी कम है और ऑर्डर काफ़ी सारे आते जा रहे हैं, बीच बीच में भी ऑर्डर आते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने घी भी तैयार कर लिया, खोया भी तैयार कर लिया, अब जो है ना गुलाब जामुन का प्रिपरेशन होगा। जो है ना अब सिर्फ मुझे गुलाब जामुन बनाना है क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। तो अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी देखनी है मेरी तो आप मेरे चैनल पे जाके गुलाब जामुन की रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना अभी जो ऑर्डर जाएंगे वो सारे मैंने पैक करके रख दिया है और यहाँ पे मेरा प्यारा जो भांजा है ना वो डिलीवर करने जा रहा है और यहाँ पे मैं इधर साइड से गुलाब जामुन बना रही हूँ और साइड से मैंने और भी खोए बनाने के लिए इधर रख दिया है क्योंकि मुझे और भी खोया बनाना है क्योंकि और भी ऑर्डर आ गए हैं गुलाब जामुन के। तो मेरे पास जो 200 गुलाब जामुन का ऑर्डर है ना वो कल का है और बाकी जो गुलाब जामुन के ऑर्डर हैं वो आज के हैं। तो आज मैं कुछ गुलाब जामुन बना के रख लूँगी, बाकी के बचे हुए 200 गुलाब जामुन का ऑर्डर जो है ना वो कल के लिए है। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं बनाना स्टार्ट कर दी क्योंकि ये पूजा के लिए जा रहा है और सुबह 11 बजे कस्टमर को जो है डिलीवर करना है हमें गुलाब जामुन का। तो यहाँ पर सुबह का वक्त है और आंखें जो है ना खुलने के लिए रेडी नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। चाय पी लेंगे ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी आएगी ना तो सारा काम जो है जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला ना मैंने चाय फटाफट से पी लिया और जो है ना मैं फिर से अपने काम पर लग गई। तो यहाँ पर जो है ना होता क्या है ना घी को बीच में ठंडा करना पड़ता है तो बीच में ब्रेक मिल जाता है। तो गुलाब जामुन जो है ना मैं छोटे छोटे बैचेस में बनाती हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े बैचेस में नहीं बनाती हूँ क्योंकि होता है क्या ना कि मुझे टेंशन हो जाती है कि कहीं गुलाब जामुन ख़राब ना हो जाए, अगर ख़राब भी होगा ना तो छोटे छोटे बैचेस में ख़राब हुआ ना तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने गुलाब जामुन जो है ना बना के रेडी कर लिया और ये बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट सारे गुलाब जामुन बनी हैं। और तो मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन एक एक करके ना पैक करना स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे गिन के गुलाब जामुन देना है तो यहाँ पे मुझे एक एक करके गुलाब जामुन को गिनना भी था। तो यहाँ पे पूरे गुलाब जामुन जो है ना इनको 200 गुलाब जामुन जाना था। तो देखिए यहाँ पे जो है ना गुलाब जामुन मैंने सारे जो है ना अच्छी तरीके से पैक कर लिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।